मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं जेके बोस के इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर मनी एंड बैंकिंग के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। फिर फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इश्यूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। हु इश्यूज द करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट? इट इज RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम पे करेंसी को इशू करता है। बैंक चार्जेज अ हायर रेट ऑन लोन्स दैट व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट्स। तो हम जो डिपॉजिट्स पे जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वो लो होता है, लेकिन जो लोन्स पे आपका इंटरेस्ट होता है वो हाई होता है। डैश इज एन एसेट दैट द बोरोअर ओन्स एंड यूजेज एज अ गारंटी until the loan is repaid to the lender, it is collateral. एक एसेट जो है, जो एक बोरोअर को, बोरोअर अगर कोई एसेट ओन करता है तो उसे गारंटी के तौर पे उसको रखना पड़ता है बैंक के पास, ताकि अगर वो ना रीपे कर पाए तो बैंक उससे अपने पैसों को वसूल पाए। डैश इज़ अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बैंक अकाउंट विच कैन बी ओपन्ड बाय एनी इंडिविजुअल फॉर एनकरेजिंग सेविंग। तो सेविंग के लिए जो बैंक अकाउंट खोला जाता है किसी भी बैंक में, जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसको आप सेविंग अकाउंट कहते हैं। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ पेमेंट बीइंग मेड इंस्टेड ऑफ कैश इज अ बैंक इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड ए चेक। तो सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ पेमेंट अगर हम कैश की जगह पे कहीं कुछ देना चाहते हैं बैंक में, तो वो हमारी है चेक। आप बैंक में डिपॉजिट भी करा सकते हैं, और आप किसी को अगर ट्रांसफ़र करने, किसी को देने हैं, अगर आपने पेमेंट करनी है तो आप चेक के थ्रू पेमेंट भी कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ रिमोटली क्रिएटेड चेक डिमांड ड्राफ्ट। तो रिमोटली क्रिएटेड चेक जो होता है उसको हम डिमांड ड्राफ्ट कहते हैं। नाउ द वन वर्ड आंसर्स। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इट इज़ RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेम वन नेशनलाइज बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, दे आर द नेशनलाइज बैंक ऑफ इंडिया। वन प्राइवेटली ओन्ड बैंक इन इंडिया। तो अगर आप प्राइवेटली ओन्ड बैंक की बात करेंगे तो ICICI बैंक जो है वो एक प्राइवेटली ओन्ड बैंक है। वन पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम। तो इफ़ यू टॉक अबाउट द पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स, सो इट्स 5-year national saving certificate, 8th issue. So this is one of the saving scheme that we can use in post office. One cooperative bank in rural India giving loans to farmers. कोई भी एक cooperative bank जो कि rural India में काम कर रहा हो, से rural cooperative banks जो हैं वो rural parts में, villages में आपका काम करते हैं, जहाँ पे विलेजेस में आप लोन वगैरह ले सकते हैं, काम कर सकते हैं इनके साथ। नाउ वील मूव ऑन टू द वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल ऑफ योर ओन। हमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को डिफाइन करना है और उसके एक एग्जाम्पल भी देनी है। डबल कोइंसिडेंस इज नटशेल, इन नटशेल मीन्स What a person desires to sell is exactly what the other wishes to buy. Double coincidence of wants एक ऐसी चीज़ है जिसमें एक इंसान जो बेचना चाहता है, दूसरा इंसान अगर उसी चीज़ को खरीदना चाहता है, this is double coincidence. जब दोनों में एक coincidence आ जाता है कि अगर मुझे एक चीज़ बेचनी है और दूसरे को वही चीज़ खरीदनी है, तो आपके लिए वो आसान हो जाता है, क्योंकि आप भी वही चाहते हैं जो उसके पास है और वो भी वही चाहता है जो आपके पास है। दिस इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। वील टेक एन एग्जांपल, टेक द केस ऑफ क्लोथ मर्चेंट। ही वांट्स टू सेल क्लोथ्स एंड बाय राइस। वो अपने कपड़े बेचना चाहता है और चावल खरीदना चाहता है। द क्लोथ मर्चेंट हैड टू एक्सचेंज क्लोथ डायरेक्टली टू राइस विदाउट द यूज ऑफ मनी। उसको पैसे का इस्तेमाल नहीं करना है, सीधा उसको राइस वाले को क्लोथ देने हैं और उससे राइस लेने हैं। ही वुड हैव टू फाइंड अ राइस ग्रोइंग फार्मर हु वुड बी विलिंग टू सेल हिम राइस इन एक्सचेंज फॉर क्लोथ।
उसको या ऐसे फार्मर को चुनना पड़ेगा जो क्लोज लेने के लिए तैयार हो और उसको राइस देने को भी तैयार हो। टू पुट इट सिंपल, बोथ पार्टीज हैव टू एग्री टू बाय एंड सेल कमोडिटीज टू ईच अदर। तो अगर दोनों को देखा जाए तो दोनों पार्टीज को एग्री होना पड़ेगा, उनको बाय भी करना है दोनों को और दोनों को सेल भी करना है, तो दोनों को एग्री होना पड़ेगा। ये जो प्रॉब्लम है जिसमें दोनों को बाय करना है दोनों को सेल करना है, द प्रॉब्लम इज नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ सम एग्जाम्पल्स ऑफ गुड सर्विसेज बींग एक्सचेंज्ड और वेजेस बींग पेड थ्रू बार्टर। क्या आपको बार्टर सिस्टम के थ्रू अगर आपने कहीं देखा हो कि बिना पैसे के अगर वो एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हो चीज़ें, क्या आपने कहीं पे देखा है? येस आई कैन। इनफैक्ट देर आर न्यूमरस एग्जाम्पल्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट, स्पेशली इन रूरल एरियाज इट हैपन्स मैनी अ टाइम्स। समटाइम्स लेबर इज नॉट पेड मनी एंड इज गिवन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ग्रेन्स लाइक राइस पल्सेस एक्सेट्रा एंड वेजिटेबल्स एंड अदर नेसेसरी आइटम्स। अगर आप रूरल पार्ट में जाएंगे, गाँव के इलाकों में जाएंगे, वहाँ पर अभी भी ऐसा होता है कि पैसे की जगह पर अगर वो मजदूरी करते हैं तो उनको राइस दे दिए जाते हैं, वीट दे दी जाती है या वेजिटेबल्स दे दिए जाते हैं, या उनके ज़रूरत की कोई चीज़ दे दी जाती है जिससे कि वो मान भी अगर वो मान जाएँ तो उनसे काम करवा सकते हैं। वाई इज़ मनी कॉल्ड अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज? गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी बॉट एंड सोल्ड विद द यूज़ ऑफ मनी। अब मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों कहते हैं? क्योंकि हम कोई भी सर्विस को, कोई भी गुड्स को, कोई भी चीज़ को हम खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं मनी के इस्तेमाल से। अनलाइक बार्टर सिस्टम इट एलिमिनेट्स द नीड ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। अब बार्टर सिस्टम में दोनों की ज़रूरतों को पूरा होना चाहिए था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स जो है जिसमें दोनों की ज़रूरतें होनी चाहिए थी, दोनों को सेल भी करना है दोनों को बेचना भी है, तो वो दूसरे की ज़रूरत भी होनी चाहिए अगर आप बेचने जा रहे हैं। तो ये एक सिस्टम जो ये एक प्रॉब्लम आ रही थी उसमें उसको ये ख़त्म कर देता है। मनी इज़ यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज इट इज़ द इंटरमीडिएटरी इन द एक्सचेंज प्रोसेस। एनीथिंग इन द मार्केट कैन बी बॉट एंड सोल्ड विद इट। तो मनी को एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि एक इंटरमीडिएटरी का काम करता है वो एक्सचेंज प्रोसेस में, वो बीच का एक माध्यम बन के काम करता है। जो बेचना चाहता है वो भी मनी के इस्तेमाल से बेच सकता है, जो खरीदना चाहता है वो भी मनी के इस्तेमाल से खरीद सकता है, तो वो एक ऐसा कॉमन इंटरफेस बन गया है बीच में, कॉमन इंटरमीडिएटरी बन गया है कि कोई भी उसको लेके कोई भी चीज़ को खरीद सकता है या बेच सकता है मार्केट में। व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मॉडर्न करेंसी? मॉडर्न करेंसी के अलग अलग फॉर्म्स क्या हैं? मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी आर, मनी के मॉडर्न फॉर्म्स कौन कौन से हैं? करेंसी, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। They are not made of precious things and are not of daily use. They are accepted as a form of money because of government authorization. कुछ अब बोल सकते हैं कुछ ये इतनी precious चीज़ों के नहीं बने होते हैं जो हम daily use में नहीं लाते, ये accept किए जाते हैं money की form में। ये paper notes और ये जो coins हैं ये accept किए जाते हैं money की form में क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको ऑथराइज़ किया होता है कि आप इनको कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड फॉर्म इज़ बैंक डिपॉजिट्स। दे आर आल्सो ए फॉर्म ऑफ मनी, पीपल कैन ओपन बैंक अकाउंट्स एंड मेक डिमांड डिपॉजिट्स। चेक्स एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज पॉसिबल थ्रू बैंक अकाउंट्स। इट्स अ पेपर दैट मेक्स द बैंक ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन पर्सन अकाउंट टू अनदर। चेक एक ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया है जिसमें आपको डायरेक्ट मनी की ज़रूरत नहीं पड़ती, करेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप पेपर नोट्स या कॉइन्स की जगह आप डायरेक्ट चेक भी दे सकते हैं किसी के अकाउंट में मनी को ट्रांसफ़र करने के लिए या अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाने के लिए। हु इज़ ऑथराइज टू इशू करेंसी इन इंडिया? इंडिया में कौन सी बॉडी है जो करेंसी को इशू कर सकती है? The Reserve Bank of India has the sole right to issue currency notes except 1 rupee note which are issued by the Ministry of Finance. Currency notes issued by the Reserve Bank are declared unlimited legal tender throughout the country. अब Reserve Bank of India जो है वो आपके करेंसी को issue करती है, करेंसी notes को issue करती है, सिर्फ वो 1 रुपये के जो नोट होते हैं उनको वो issue नहीं करती, वो
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है, करेंसी नोट जो कि रिजर्व बैंक आपके इशू करती है उनको लीगल टेंडर माना जाता है पूरी कंट्री में। वाई कैन नो वन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट पेमेंट इन रुपीज, कोई भी आपकी रुपीज में की गई पेमेंट को क्यों रिफ्यूज नहीं कर सकता। इन इंडिया वन कैन नॉट रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रुपीज बिकॉज बाय लॉ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI issues currency notes on behalf of the central government. The law legalizes the use of rupee as a medium of payment which cannot be refused in settling transactions in India. अब क्योंकि ये करेंसी जो इशू होती है वो RBI इशू करती है गवर्नमेंट के बिहाफ पे, और लॉ लीगलाइज कर देता है रुपी को एक मीडियम ऑफ पेमेंट के लिए कि कोई भी कहीं पे भी अगर इंडिया में ट्रांजैक्शन हो रही है, सेटल कर रहा है कोई अपनी ट्रांजैक्शन, तो वो उसको मना नहीं कर सकता क्योंकि वो जो मीडियम है ये एक लीगलाइज टेंडर बन चुका है, एक लॉ के मुताबिक लीगल है। वाई आर द डिपॉजिट्स इन द बैंक अकाउंट कॉल्ड डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स जिनको बैंक अकाउंट में डाला जाता है उनको डिपॉजिट्स क्यों कहा जाता है। पीपल डिपॉजिट देयर सेविंग इन बैंक्स, लोग जो हैं वो अपनी सेविंग को बैंक में डिपॉजिट कराते हैं। दे कैन विदड्रॉ देयर मनी वेन एवर रिक्वायर्ड, वो कभी भी मनी को विदड्रॉ कर सकते हैं जब भी उनको चाहिए। बिकॉज द डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट कैन बी विदड्रॉन ऑन डिमांड, क्योंकि डिपॉजिट जो बैंक अकाउंट में डाले जाते हैं वो अपनी मर्जी से डिमांड पे आप निकाल सकते हैं। These deposits are called demand deposits. इसीलिए इनको demand deposits कहा जाता है। The question ये था कि आपका जो deposit जो bank में कराते हैं उनको demand deposits क्यों कहा जाता है। तो demand deposit इसीलिए कि हम उसमें deposit करा सकते हैं और जब भी हमें ज़रूरत हो हम उसमें से withdraw भी कर सकते हैं। How do bank mediate between those who have surplus money and those who need money? अब बैंक कैसे एक मीडिएटर का काम करता है जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं और जिनके पास जिनको पैसे की ज़रूरत है, उनके बीच में कैसे मीडिएटरी का काम करता है। बैंक्स एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम दोज हु हैव सरप्लस मनी पेइंग देम इंटरेस्ट ऑन दिस डिपॉजिट्स। बैंक यूजेस मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स टू एक्सटेंड लोन्स टू दोज हु नीड मनी, charging them slightly higher interest than what they pay to the depositors. The difference is the major source of income for the banks. In this way, bank mediate between those who have surplus money and those who need money. अब बैंक क्या करता है, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, जिनके पास भी सरप्लस मनी है उनसे एक्सेप्ट कर लेता है डिपॉजिट और उनको कुछ इंटरेस्ट पे जो कुछ इंटरेस्ट पे कर देता है उसके ऊपर, और जो ज़्यादातर पोर्शन होता है डिपॉजिट्स का उसको वो लोन के ऊपर एक्सटेंड कर देता है, किसी को लोन दे देता है जिनको भी ज़रूरत होती है लोन की, और उनसे थोड़ा सा हायर इंटरेस्ट ले लेता है। जो उनका डिपॉजिट का इंटरेस्ट है उससे ज़्यादा इंटरेस्ट वो लोन का ले लेता है उनसे, ताकि वो जितना भी इसमें से आप शेयर कमा सकते हैं, जितना भी वो इंटरेस्ट या जितना भी उनके पास फ़ायदा होगा वो बैंक की अर्निंग होगी, वो बैंक की इनकम होगी। तो इसी तरीके से जिनके पास ज़्यादा मनी है वो बैंक में डिपॉजिट करते हैं, जिनके पास ज़्यादा मनी है वो बैंक में डिपॉजिट करते हैं और जिनको मनी की ज़रूरत है वो लोन लेते हैं बैंक से और हायर रेट पे इंटरेस्ट पे करते हैं। डिफाइन अ चेक, the most common form of payment being made instead of cash is the bank instrument called a check. सबसे common एक payment जिसको cash की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है एक bank के instrument के तौर पे, उसको बोलते हैं check. A check is a paper instructing the bank to pay a specific amount from the person's account to the person in whose name the check has been issued. The maker of the check is called the drawer and the person directed to pay is the drawee. अब एक चेक जो है एक पेपर होता है जो कि बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है कि आपको पे करना है कोई स्पेसिफिक अमाउंट किसी पर्सन को, पर्सन के नाम पे, या कोई किसी पर्सन के अकाउंट से किसी और पर्सन के नाम पे वो चेक आप दे सकते हैं, किसी और नाम पर्सन के अकाउंट में आप चेक को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जो इंसान चेक बनाता है वो ड्रॉअर होता है,
और जिसके नाम पे चेक बनता है वो ड्रॉई होता है। डिफाइन अ लोन। अब लोन क्या होता है? क्रेडिट और लोन फैसिलिटी रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लैंडर सप्लाइज द बोरोअर विद मनी गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। अब लोन जो है वो एक ऐसी क्रेडिट फैसिलिटी है जिसमें एक एग्रीमेंट बनाया जाता है जिसमें लैंडर जो है वो बोरोअर को पैसे देता है या गुड्स या सर्विसेज देता है जिसके रिटर्न में वो प्रॉमिस लेता है उससे फ्यूचर में पेमेंट का। वाई डू लैंडर्स आस्क फॉर कोलेटरल वाइल लैंडिंग? लैंडर्स जो हैं वो कोलेटरल की मांग क्यों करते हैं जब भी उन्होंने लैंड करना होता है पैसे को? कोलेटरल इज एन एसेट दैट द बोरोअर ओन्स। लैंड, बिजनेस एसेट, हाउस, व्हीकल, लाइफ स्टॉक्स, डिपॉजिट्स विद बैंक्स एंड इज केप्ट विद लैंडर्स या बैंक एज अ गारंटी टिल द लोन इज रीपेड इन फुल। इफ द बोरोअर फेल्स टू रीपे द लोन द लैंडर हैज़ द राइट टू सेल द कोलेटरल टू ऑब्टेन पेमेंट। कोलेटरल एक ऐसा एसेट है जो कि बोरोअर ओन करता है, मतलब जिसने लोन लेना है उसको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है, कुछ ना कुछ देना पड़ता है बैंक को, बैंक के पास रखना पड़ता है डिपॉजिट, ताकि अगर इन फ्यूचर उसको कोई प्रॉब्लम आ जाए, वो नहीं पे कर पाए, तो जिसके पास भी वो आपने गिरवी रखा हुआ जिससे आप ले रहे हैं, तो वो उसको सेल करके, उसको बेच करके वो मनी को पूरा कर सके जो अमाउंट उसको दी गई है। नाउ द लॉन्ग ऑन्स टाइप क्वेश्चंस। व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ मॉडर्न मनी? जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया तो अलग अलग फॉर्म्स जो मॉडर्न मनी के हैं वो है, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, डिमांड डिपॉजिट्स, प्लास्टिक मनी, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स। करेंसी, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स, दे आर नॉट मेड ऑफ प्रेशियस थिंग्स एंड आर नॉट ऑफ डेली यूज। दे आर एक्सेप्टेड एज अ फॉर्म ऑफ मनी बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट ऑथोराइजेशन। सेकेंड पार्ट, बैंक डिपॉजिट्स आर ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ मनी, पीपल कैन ओपन बैंक अकाउंट्स एंड मेक डिमांड डिपॉजिट्स। थर्ड पार्ट, चेक्स एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज पॉसिबल थ्रू बैंक अकाउंट्स। इट इज अ पेपर दैट मेक्स द बैंक ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन पर्सन्स अकाउंट टू अनदर। प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक मनी रेफर्स टू द हार्ड प्लास्टिक कार्ड्स विच वी यूज एवरी डे इन प्लेस ऑफ एक्चुअल बैंक नोट्स। दे कैन कम इन मैनी डिफरेंट फॉर्म्स सच एज क्रेडिट कार्ड्स, कैश कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, प्रीपेड कार्ड्स एंड स्टोर कार्ड्स। तो आजकल जो है वो आप देखते हैं कि प्लास्टिक मनी भी चल रही है, जिस जैसे कि आपके पास करेंसी नोट्स हैं, कॉइन्स हैं, उसके अलावा आपके पास एक प्लास्टिक मनी भी है जो आपका बैंक है वो आपको एक कार्ड इशू करता है, डेबिट कार्ड ले लो या क्रेडिट कार्ड ले लो, वो आप इशू कर सकते हैं और उस कार्ड को यूज़ कर सकते हैं पैसे की जगह पे जहाँ पे भी आपने जाना है पेमेंट करने के लिए। तो आजकल जो अलग अलग कार्ड जो चल रहे हैं वो है कैश कार्ड हो गए, क्रेडिट कार्ड हो गए, डेबिट कार्ड हो गए, प्रीपेड कैश कार्ड्स हो गए, स्टोर कार्ड्स हो गए। तो आप इनका इस्तेमाल लेके बिना पैसे के आप शॉपिंग को कर सकते हैं जो भी आपने काम करना है। व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ ओपनिंग अ सेविंग बैंक अकाउंट? सेविंग बैंक अकाउंट को खोलने का क्या प्रोसीजर है? फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी कंसीडर्ड फॉर ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। चूज अ बैंक इन विच यू वॉन्ट टू ओपन योर अकाउंट। दिस स्टेप इन्वॉल्व्स चूजिंग और सिलेक्टिंग अ बैंक विद विच अ पर्सन हु वॉन्ट्स टू ओपन एन अकाउंट। प्रेजेंटली वी हैव मैनी बैंक ऑपरेशनल इन आर स्टेट जे एंड के। द लीडिंग बैंक इन आर स्टेट इज जे एंड के बैंक लिमिटेड, पॉपुलरली नोन एज जे एंड के बैंक। सबसे पहला स्टेप जो आपको बैंक अकाउंट को खोलने के लिए चाहिए वो है आपको सिलेक्ट करना पड़ता है किस बैंक में आपको अकाउंट ओपन करना है। आप उसके बारे में पता करवा सकते हैं, फिर आप बैंक को चूज़ कर सकते हैं। सेकंड स्टेप इज फिल अप द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म। एवरी बैंक हैज़ अ प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म टू बी फिल्ड अप फॉर ओपनिंग एन अकाउंट। द एप्लीकेशन इन्वॉल्व्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नेम, रेजिडेंस एंड स्पेस फॉर फिक्सिंग अ फोटोग्राफ। अब दूसरा स्टेप है आपको एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है, एप्लीकेशन फॉर्म लेना है आपको बैंक से जिस बैंक में आपको अकाउंट खोलना है उस फॉर्म को भरना है, जिसमें कि आपकी मेन इन्फॉर्मेशन जो है वो आपसे रिलेटेड होती है, जिसमें आपका नाम होता है, एड्रेस होता है, आपका फोटोग्राफ होता है,
Third step, submit the fill-up application form. The filled-up application form is to be submitted to the bank officer. It must be kept in mind that the bank may ask for necessary relevant documents like proof of residence, proof of identity. After scrutiny of the same, the bank may issue an account number. अब तीसरा स्टेप है उस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कराना. उस एप्लीकेशन फॉर्म को भर के आपको जो वहाँ पे ऑफिसर्स होंगे, जो बैंक ऑफिसर होगा, उसको आपने सबमिट कराना होता है फॉर्म अलोंग विद द डॉक्यूमेंट्स दैट आर नीडेड. कुछ डॉक्यूमेंट प्रूफ भी आपको चाहिए होते हैं, कुछ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होते हैं, जैसे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, आधार कार्ड कॉपी और योर गारंटर. तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है जो आप प्रोवाइड करते हैं. और जैसे अगर वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे होते हैं तो यू आर इशूड अ अकाउंट नंबर, आपको एक अकाउंट नंबर दे दिया जाता है. रिसीव नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द बैंक आफ्टर कंप्लीशन एंड सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ द फॉर्म. द बैंक इशूज एन अकाउंट नंबर. बैंक ऑल्सो प्रोवाइड्स अ स्मॉल बुक नोन एज पासबुक विच कंटेन्स पर्टिकुलर्स ऑफ द अकाउंट होल्डर. The entries regarding cash deposit and withdrawal are also entered in this book from time to time. The passbook serves as an important documentary link between bank and account holder. The bank may also issue ATM card. अब जब ये सारा प्रोसेस आपका हो जाता है, जब उन्होंने आपको आपने वहाँ पे फॉर्म डिपॉजिट करा दिया, उन्होंने फॉर्म ले लिया विद द डॉक्यूमेंट्स, तो जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, अगर सारे डॉक्यूमेंट सही हैं तो आपको एक अकाउंट नंबर दे दिया जाएगा, एक पासबुक दे दी जाती है. इस पासबुक में आपकी इन्फॉर्मेशन दी गई होती है बैंक से रिलेटेड. और आप कोई भी ट्रांजैक्शन जो करते हैं, आप पैसे निकलवा रहे हैं, पैसे जमा करा रहे हैं, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इस पासबुक में एंटर की जाती है एंट्रीज के थ्रू. और अगर आपको चाहिए तो बैंक आपको चेकबुक भी दे देता है और आपको ATM कार्ड भी दे देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू विदड्रॉ मनी फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट. आप सेविंग बैंक अकाउंट से मनी कैसे निकाल सकते हैं, पैसे कैसे निकाल सकते हैं. द कैश कैन बी विदड्रॉन बाय टू प्रोसीजर्स. जो कैश है उसको आप दो प्रोसीजर से विदड्रॉ कर सकते हैं. बाय विजिटिंग द ब्रांच, आप ब्रांच में जाके उस कैश को विदड्रॉ कर सकते हैं. By filling withdrawal form, the person has to present himself personally and fill up the withdrawal form. The bank official will identify the person through passbook, photograph and signature on withdrawal form. आपको withdrawal form के through आप भर सकते हैं. आपको withdrawal form वहाँ पर bank में जाके भरना होता है, personally जाके official के सामने अपनी identity को prove करना है, identify करवाना है. passbook, फोटोग्राफ और सिग्नेचर के साथ में वो चेक करेंगे और आप आराम से उसको विड्रॉ कर सकते हैं. दूसरा सिस्टम है बाय चेक. आप चेक के थ्रू भी कर सकते हैं पेमेंट किसी को, अगर आपने करनी है विड्रॉ करने हैं पैसे तो. चेक कैन बी साइंड एंड इशूड बाय द अकाउंट होल्डर ऑन द कंसर्न्ड बैंक. चेक जो है वो साइन किया जाता है या इशू किया जाता है उस जिसका अकाउंट है बैंक के अंदर, उसी कंसर्न्ड बैंक के अंदर जिसका अकाउंट है, तो वो चेक इशू कर सकता है, साइन कर सकता है और पैसे निकलवा सकता है. द बैंक विल इशू कैश अगेंस्ट सच चेक. द अकाउंट होल्डर कैन हिमसेल्फ ऑल्सो विदड्रॉ कैश थ्रू सच चेक. द पर्सन हुज नेम इज रिटन ऑन सच चेक कैन ऑल्सो विदड्रॉ कैश विद द हेल्प ऑफ चेक्स. द अमाउंट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अकाउंट टू अकाउंट. अब चेक के थ्रू आप अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं और अगर आपको खुद को भी चाहिए तो आप अपना नाम लिखिए और उसमें कैश को निकलवा सकते हैं. या आप किसी का भी नाम लिखेंगे जिसके नाम पे चेक होगा, आप उस वो आपका चेक से कैश जो है वो निकलवा सकता है जाके. नाउ सेकंड थिंग इज़ बाय यूजिंग ATM. अगर आपको बैंक में नहीं जाना है तो आप ATM मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके थ्रू इट इज़ अ मशीन कंट्रोल्ड प्रोसीजर. अ पर्सन ऑन ओपनिंग एन अकाउंट इज प्रोवाइडेड विद अ कार्ड विच कैन बी यूज टू विदड्रॉ कैश बाय इंसर्टिंग इन ATM एंड फॉलोइंग फ्यू स्टेप्स. जब आप बैंक अकाउंट खोलते हैं आपको एक ATM मिलता है, या आप बाद में भी ATM को इशू करवा सकते हैं. इस ATM को लेके आप किसी भी ATM मशीन के पास, मशीन जो भी इंस्टॉल की गई हैं, आप वहाँ पर जाके आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं और उसके बाद आप वहां से कैश निकलवा सकते हैं. द मशीन आफ्टर इंसर्टिंग द कार्ड विल आस्क
for PIN, the electronic key, to proceed. After that, the machine will ask for options like amount to be withdrawn, etc. At the end of transaction, the machine will provide slip showing amount withdrawn and balance remaining with the bank. मशीन में आपको कार्ड को इंसर्ट करना पड़ता है, वो आपसे पिन मांगती है, आपको वो पिन देना है जो आपको बैंक ने दिया गया होता है, बैंक के द्वारा दिया गया होता है, या आप आजकल आप बैंक में जो दिया गया पिन होता है आप उसको चेंज भी कर सकते हैं अपने मुताबिक. जब मशीन आपसे अमाउंट पूछ ले कितना अमाउंट निकालना है, जब आप निकाल लें उसके बाद में बैंक जो मशीन है वो आपको एक स्लिप देती है जिसमें कि आपका अमाउंट जो आपने विड्रॉ किया है वो लिखा होता है और आपके बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट रह गया है वो भी दिया होता है. व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्लास्टिक मनी? अब प्लास्टिक मनी के अलग अलग फॉर्म्स क्या हैं? एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन प्रिंटेड करेंसी, हाउएवर पेपर मनी कैन ईजिली बी स्पॉइल्ड एंड हैज़ नो ड्यूरेबिलिटी. देयरफॉर द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मनी हैज़ स्टार्टेड एंड फाउंड वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस. Plastic refers to the hard plastic cards which we use every day in place of actual banknotes. They can come in many different forms such as cash cards, credit cards, debit cards, prepaid cards, cash cards and store cards. Har country ki apni printed currency hoti hai, lekin paper money jo hai wo aasani se aapki spoil ki ja sakti hai aur uski zyada durability bhi nahi hoti. इसलिए प्लास्टिक मनी का इस्तेमाल किया जाता है जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट की जाती है. प्लास्टिक जो है उसको आप कहते हैं हार्ड प्लास्टिक कार्ड्स होते हैं वो, जो कि एवरीडे यूज़ में हम ला सकते हैं बैंक नोट्स की जगह पे. दे कैन कम इन मैनी डिफरेंट फॉर्म्स. अब वो अलग अलग फॉर्म्स में होते हैं, जैसे आपके कैश कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्रीपेड कैश कार्ड, स्टोर कार्ड्स, इन फॉर्म्स में वो आ जाते हैं. एक डेबिट कार्ड इज ऑल्सो नोन एज अ बैंक कार्ड इज अ प्लास्टिक कार्ड दैट प्रोवाइड्स अ कैश होल्डर इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस टू हिज और हर बैंक अकाउंट. द कार्ड वेयर एक्सेप्टेड कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ कैश व्हेन मेकिंग परचेजेस. मोस्टली द डेबिट कार्ड इज यूज फॉर ATM ट्रांजेक्शंस. एक डेबिट कार्ड जो है वो बैंक द्वारा इशू किया गया एक प्लास्टिक कार्ड है जो कि कार्ड होल्डर को इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस देता है बैंक अकाउंट का. ये जो कार्ड एक्सेप्ट किया जाता है कैश की जगह पे आप किसी भी परचेज को करने के लिए कर सकते हैं. ये जो डेबिट कार्ड्स हैं इनको आप ATM मशीन में आप ATM के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ATM के ट्रांजैक्शंस के लिए. क्रेडिट कार्ड अलाउज द कार्ड होल्डर टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बेस्ड ऑन कार्ड होल्डर्स प्रॉमिस टू पे फॉर देम. द इश्यूअर ऑफ द कार्ड क्रिएट्स अ revolving account and grants a limit of credit to the consumer or the user from which the user can borrow money for payment to a seller as a cash advance to the user. Credit card जो है उसके through card holder goods or services के लिए pay कर सकता है इस promise के साथ, क्योंकि वो future में उसको pay कर देगा. तो जो issuer है card का वो एक रिवॉल्विंग अकाउंट बनाता है, उसका एक लिमिट दे देता है उसको कि इतना आप खर्च कर सकते हैं और इतनी देर में आपको उसको पेमेंट करनी है. एक्सप्लेन द वेरियस क्रेडिट एंड लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक विद एन एग्जांपल. हम क्रेडिट और लोन एक्टिविटीज़ की बात करेंगे तो हम उसको देखेंगे कि कैसे क्रेडिट और लोन एक्टिविटीज़ को दिया जाता है. बैंक वर्क एज इंटरमीडिएटरीज बिटवीन those who have surplus money and those people who are in need of money. जो deposit कराते हैं जिनके पास surplus money है वो हैं depositors, जिनको पैसे चाहिए वो हैं borrowers. Bank charges higher interest on the loans as compared to the interest paid to the deposit. The difference between two rates is the bank's profit. Bank जो है ज़्यादा interest charge करता है जिस interest पे borrow करते हैं money को, और डिपॉजिट जो करवाते हैं उनको लेस इंटरेस्ट देता है, और जो इनका डिफरेंस आ जाता है वो बैंक का प्रॉफिट होता है. लेट अस थिंक देयर इज ओनली वन बैंकिंग इन द इकोनॉमी. हम यही सोचते हैं कि इकोनॉमी में एक ही बैंक है. लेट द बैंक अथॉरिटी हैज डिसाइडेड दैट द कैश रिजर्व रेशियो इज 20%. सो द बैंक मस्ट कीप 20% ऑफ इट्स करंट डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ कैश टू मेक कैश पेमेंट्स टू पर्संस हु कम टू विदड्रॉ मनी. हम ये सोचते हैं कि बैंक ने डिसाइड किया हुआ है कि कैश रिजर्व रेशियो जो है वो 20% है,
तो बैंक को ये 20% अपने पास रखना ही पड़ता है और बाकी का जो है वो लोन के लिए दे सकता है, लोन की पेमेंट के लिए। सबसे पहले स्टेप में एक पर्सन है जो बैंक में जाता है, द पर्सन डिपॉजिट्स ₹100 इन द बैंक, एज अ रिजल्ट बैंक डिपॉजिट्स इंक्रीजेज बाय 100। एज पर रूल द बैंक पेज 20% ऑफ 100 एज कैश, दिस कम्स आउट टू बी ₹20। सो द बैंक कीप्स ₹20 टू मेक कैश पेमेंट। नाउ डिडक्ट 20 फ्रॉम द 100 एंड 100 माइनस 20 विल बी 80। सो द बैंक कैन लेंड आउट ₹80 इन द फॉर्म ऑफ लोन। बैंक में जाएंगे, 20% उसको रखना है, तो 80% जो है वो ₹80 होते हैं, तो ₹80 वो लोन के तौर पे दे सकता है। अ पर्सन कॉल्ड बी अप्रोचेज अ बैंक टू टेक अ लोन ऑफ ₹80। आफ्टर द बैंक गिव्स हिम दिस लोन, इट कैन क्लेम द अमाउंट फ्रॉम बी इन फ्यूचर। दिस मीन्स दैट बाई गिविंग लोन टू पर्सन बी, द बैंक कैन क्रिएट अनदर डिपॉजिट ऑफ ₹80। नाउ कैलकुलेट द टोटल डिपॉजिट विद द बैंक। फर्स्ट, पर्सन ए डिपॉजिट्स ₹100, बाई गिविंग लोन टू बी द बैंक इज एबल टू क्लेम ₹80। सो आफ्टर टू स्टेप्स द बैंक हैज टोटल डिपॉजिट ऑफ ₹180, 100 + 80। अब देखिए, बैंक ने ₹80 दे दिए, उसके बाद आप देखिएगा कि ₹80 वो इन फ्यूचर बी वाला जो है, जिसको जिसको ज़रूरत है ₹80 की, वो ₹80 फ्यूचर में तो देगा ही। तो बैंक के पास दो अकाउंट्स खुल जाएंगे, एक अकाउंट होगा जो डिपॉजिटर ने खोला होगा, वो आपका ₹100 वाला अकाउंट है, और दूसरा अकाउंट जो है वो बी वाले का होगा, जिसमें ₹80 का अकाउंट होगा जो कि उसको फ्यूचर में पे करने हैं। तो बैंक के पास दो अकाउंट चल रहे हैं, एक ₹100 वाला और एक ₹80 वाला। तो वो टोटल डिपॉजिट कर देता है, जो उसकी एक एजम्पशन वाली मनी है, तो वो उसके पास हो जाती है ₹180, क्योंकि ₹100 आपके उस इंसान के जिसने अकाउंट डाला हुआ है, जिसने डिपॉजिट कराए हुए हैं, ₹100 उसके हैं, और ₹80 जो इससे लेगा वो ₹80 इनके आएंगे, 80 + something। तो ये जो टोटल बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा ₹180, जो उसको पता है कि फ्यूचर में उसको करने ही करने हैं, उसके पास होंगे। तो अब ये इसके पास टोटल अमाउंट बन जाएगा ₹180 डिपॉजिट के तौर पे जो उसके पास होगा। अनदर पर्सन कॉल्ड सी वॉन्ट्स अ लोन फ्रॉम द बैंक। हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी द बैंक कैन गिव एज लोन टू सी। हमने इन द प्रीवियस स्टेप वी सॉ दैट द बैंक कुड इंक्रीज इट्स डिपॉजिट बाई ₹80 बाई क्लेमिंग द अमाउंट फ्रॉम बी। एज पर रूल इट हैज़ टू कीप 20% ऑफ 80 एज कैश बिफोर गिविंग फर्दर लोन्स टू एनीबडी। 20% ऑफ 80 इज 16, सो द बैंक विल नाउ कीप ₹16 एज कैश एंड गिव द रेस्ट टू द अमाउंट एज लोन। 80 - 16 इज 64, सो द बैंक कैन गिव ₹64 एज लोन टू सी। अगेन बाई क्लेमिंग दिस अमाउंट फ्रॉम सी, द बैंक कैन क्रिएट अनदर डिपॉजिट ऑफ ₹64 इन स्टेप 3। कंटिन्यूइंग फ्रॉम द प्रीवियस टू स्टेप्स, वी कैन से दैट आफ्टर 3 स्टेप्स द टोटल डिपॉजिट विद द बैंक हैज़ इंक्रीज अप टू 180 + 64 विच इज 244। तो आपने देखा कि सी, अगर किसी सी एक और आदमी है जिसको कि आपको बैंक से लोन लेना पड़ता है, तो वो जाएगा, तो उसको अब इसके पास कितना अवेलेबल होगा। अब देखो, ₹80 थे उसके पास पहले जो बचे हुए थे, ₹80 जो उसको बी वाले से आएंगे, अब वो उस ₹80 पे ही उसको लोन पे कर सकता है, और उसका 20% उसको बचा के रखना है, क्योंकि वो उसका अब डिपॉजिट वाला बन गया है। जब वो उसको 16% उसका बचाए 20% उसका बचाएगा, वो ₹16 आएंगे, तो उसके पास ₹64 ही होंगे जिसको वो लेंड कर सकता है। ये जो ₹64 है, इसके लिए उसको एक और डिपॉजिटर का खोलना पड़ेगा, एक और डिपॉजिट आ जाएगा उसके पास ₹64 वाला। तो अब ये 64 + 80 + 100 दैट विल कंक्लूड टू 244, जो कि बैंक के पास टोटल डिपॉजिट हो जाएगा। सो कमर्शियल बैंक्स एडवांसेस लोन्स अगेंस्ट सम अप्रूव्ड सिक्योरिटीज कोलेटरल। In India, these banks hold about 15% of the deposit as cash. This money is kept to pay depositors who may want to withdraw their money on any day as free will. Majority of the deposits are used to extend loan facilities to customers.
कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो इसी बेस पे लोन को देते हैं, किसी सिक्योरिटी के गिरवी रख के, कोई कोलेटरल को गिरवी रख के। और इंडिया में आजकल ये जो आपका होल्ड बैक अमाउंट है उसको बैंक जो होल्ड करके रख सकता है वो है 15% डिपॉजिट रख सकता है अपने पास कैश के तौर पे। ये जो मनी है वो इसलिए होता है ताकि कोई भी विड्रॉ करने आए तो आप उनकी ज़रूरतों को पूरा कर पाएँ अपनी मर्ज़ी से, अगर कोई बैंक से निकलवाने आए तो। जो मेजॉरिटी ऑफ़ द डिपॉजिट है, जो ज़्यादातर आपका डिपॉजिट है, उसको आप लोन के तौर पे कस्टमर्स की फैसिलिटीज़ को पूरा कर सकते हैं, लोन फैसिलिटी दे सकते हैं उनको। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स बच्चे। इससे रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम हो आप मेरे से मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।